आंवले को उबालना नहीं है या फिर इसे स्टीम भी नहीं करना है। इसका मतलब बिना गैस जलाए ही आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया और टेस्टी आंवला कैंडी। ये एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीका है जिसे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए फ्रेश और ताज़े हरे रंग के आंवला। यहाँ पे मैंने आधा किलो आंवला लिए हैं। आंवला कैंडी बनाने के लिए हमेशा बड़े साइज़ के ही आंवले को आप परचेस करें और वो ताज़े फ्रेश ही होने चाहिए। अब इस आंवले को हमें 2 से 3 बार पानी से साफ़ कर लेना है और साफ़ कपड़े से ड्राई भी कर लेना है। अब ये साफ़ किए हुए आंवला आप रख के कांच के या फिर प्लास्टिक के किसी भी कंटेनर में, जिसमें इसका लिड होना चाहिए, इस तरीके से कांच के कंटेनर में ये सभी आंवला मैंने रख दिए हैं। और अब ये कांच का आंवले का कंटेनर हम रखेंगे फ्रीज़र में। जी हाँ, जहाँ पे बर्फ़ बनती है उस सेक्शन में इस आंवले को हमें रख देना है पूरे 1 दिन के लिए। तो इस फ्रीज़र में ढककर इस आंवला कैंडी को कम से कम 1 पूरे दिन के लिए हम रखेंगे और 1 दिन कंप्लीट होने के बाद इस आंवला कैंडी को हम बाहर निकालेंगे। पूरे 1 दिन के बाद इस फ्रीज़र से मैंने ये आंवला बाहर निकाल के रख दिए हैं। आप देख सकते हैं पूरे बर्फ़ इसके ऊपर जम गई है, इसीलिए ये काफ़ी हार्ड बन गया है, बिल्कुल पत्थर जैसा ये बन गया है। अब इस आंवले को फिर से हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है, इसीलिए ऐसे ही इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। 4 से 5 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये फिर से सॉफ्ट बन गए हैं। अब इस आंवले को बीच में प्रेस करते ही इसके जो सीड्स है ये सेपरेट होने लगेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब इसके जो बीज है और इसकी जो कलियाँ है वो हम सेपरेट करके ले लेंगे। तो आंवला के पीसेस हमने सेपरेट करके ले लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 700 ग्राम चीनी। आप यहाँ पे गुड़ का भी यूज कर सकते हो। आधा किलो चीनी के लिए यहाँ पे 700 से 800 ग्राम चीनी आपको यूज करनी है। अच्छी तरीके से लेयर बनाकर भी आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हो। जितना आंवला होता है उससे थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में ही आपको चीनी लेनी है। इससे आपकी आंवला कैंडी परफेक्ट स्वीट और खट्टी बनेगी। अगर आप चीनी की जगह गुड़ यूज़ करना चाहते हो तो गुड़ भी आप इसमें ग्रेट करके ऐड कर सकते हो, और गुड़ भी आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ही यूज़ करना है। चीनी ऐड करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस ऐड करने से ये जो आंवला कैंडी है ये सफ़ेद बनती है, बिल्कुल भी काली नहीं पड़ती। नींबू का रस भी अच्छी तरीके से मिलाए और अब इसे ढककर हमें रखना है धूप में। दिन में एटलीस्ट 2 घंटे के लिए आप इस कंटेनर को रखें धूप में, जिससे ये जो चीनी है ये अच्छी तरीके से मेल्ट होने लगेगी, इसका सिरप बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपके घर में धूप नहीं आती हो तो आप इसे ऐसे ही घर में भी रख सकते हो, लेकिन सुबह शाम 2 टाइम इसे आपको क्लीन स्पून से मिक्स करते रहना है। 4 दिन इसे धूप दिखाने के बाद अब इसे हम खोल कर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं चीनी का अच्छी तरीके से यहाँ पे सिरप बनकर तैयार हो गया है। ये सभी आंवला के पीसेस इसमें अच्छी तरीके से भीग गए हैं। तो चलिए अब इस आंवले और सिरप को हम सेपरेट करेंगे। इसके लिए आप किसी स्ट्रेनर की हेल्प से ये शुगर सिरप और आंवला कैंडी सेपरेट करके ले लें। अब ये जो सिरप हमें मिल गया है इसे हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। आप इसे कांच के एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर करें। ये बहुत ही बढ़िया आंवला सिरप बनकर तैयार हो गया है, जिससे आप आंवला शरबत भी बनाकर पी सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी होता है। चलिए ये जो आंवला कैंडी है ये हमें सेपरेट मिल गई है, तो इसे किसी बड़े से थाली में लेकर हम इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड करना है, क्योंकि हमें इसे अब धूप दिखानी है। आंवला कैंडी हमने इस बड़े से थाली में इवनली स्प्रेड करके ले ली है। अब कम से कम 4 से 5 दिन के लिए हमें इसे धूप दिखाना है और थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। अभी ठंड का मौसम है, धूप थोड़ी कम ही आती है, इसलिए डिपेंड करता है कि धूप कितनी है, उसके ऊपर आप कम से कम 4 से 5 दिन के लिए इसे धूप दिखाएं। अगर आपके घर में धूप नहीं आती हो तो आप फैन के नीचे भी इसे सुखा सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो जब भी आपके गैलरी में या घर में कहीं पर भी अच्छी सी धूप आती हो तो इस आंवला कैंडीज को आप धूप में रख सकते हो। तो मेरी ये आंवला कैंडी 4 से 5 दिन में ही अच्छी तरीके से सूख गई थी, और आप देख सकते हैं ये इजीली सेपरेट हो गई है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, ये अच्छी तरीके से ड्राई हो गई है।
अब इस तैयार कैंडी के ऊपर हम डालेंगे चीनी, जिसे मैंने हल्की सी ग्राइंड करके ले ली है। तो इस पाउडर चीनी को हम इन सभी पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड करेंगे। इसके लिए चाय के छन्नी या फिर किसी स्ट्रेनर का यूज करके आप इस पाउडर चीनी को अच्छे तरीके से इस आंवला कैंडी पर स्प्रेड कर लें। इन सभी कैंडीज के पीसेस के ऊपर ये चीनी अच्छी तरीके से अप्लाई होनी चाहिए। तो ये देखिए, बिना बॉईल किए, बिना स्टीम किए, यानी कि बिना गैस जलाए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने घर पर ही बिल्कुल मार्केट स्टाइल आंवला कैंडी बनाकर तैयार की है। आई होप कि ये आज का आंवला कैंडी बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। इस चैनल के कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना ना भूलिए।